हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एलेक्स एडिटर 07 में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ये वाला जो रक्षाबंधन आ रहा है पर्व, उसमें आप ये वाला रील को कैसे एडिट करते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। दोस्तों, ये वाला रील बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आप रील को एडिट करके आप इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं दोस्तों, आपका आईडी ग्रो कर सकता है दोस्तों। वीडियो को एडिट करने के लिए हम सबसे पहले पिक्सल लैब का एप्लीकेशन का ओपन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस वीडियो को लाइक कर दो या चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारा पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और हम वाला ये वाला टेस्ट को हम लोग यहाँ पे डिलीट हम लोग कर देंगे। और उसके बाद हम लोग ये 3 डॉट पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग साइज इमेज में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग को 720 हम लोग यहाँ पर लिख देना है। 720 लिख कर यहाँ पर हम लोग ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं जो हमारा फ़ोटो यहाँ पर 9.6 में आ चुका है दोस्तों। इसके बाद हम लोग को और उसके बाद हम लोग को ये वाला यहाँ से हम लोग नीचे में यहाँ पे 4 नंबर वाले पेज पे हम लोग क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर वाले में आने के बाद हम लोग यहाँ इस वाले कलर में आने के बाद हम लोग वाइट वाले कलर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे ऊपर साइड में। और यहाँ से फ्रॉम गैलरी पर हम लोग क्लिक करेंगे। और गैलरी पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से हम लोग जो PNG यहाँ से हम लोग ले लेंगे। ये वाला PNG को हम लोग यहाँ से इसको छोटा करके हम लोग यहाँ से इसको यहाँ पे हम लोग इसको लगा देंगे। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से हम लोग फ्रॉम गैलरी में जाएंगे। और जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से इसको हम लोग रक्षाबंधन को यहाँ से ऐड कर लेंगे और इसको यहाँ से हम लोग छोट कर देंगे। गाइस, इन सब PNG का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर हम लोग फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और यहाँ से हम लोग ये रक्षाबंधन का जो फ़ोटो है इसको हम लोग यहाँ से ले लेंगे। और उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा छोटा करके इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग लगा देंगे इसको, और हल्का सा छोटा करके इधर साइड के हम लोग कॉर्नर में इसको यहाँ से लगा देंगे। फिर हम लोग यहाँ पर आएँगे और ये वाला ओ वाले ऑप्शन में आने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे कॉपी सेलेक्ट करेंगे। एक और हम लोग यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम लोग इधर से इस तरह हम लोग घुमाकर और यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे हम लोग यहाँ से ला देंगे। और उसके बाद गाइज, हम लोग यहाँ पे न्यू टेक्स्ट एक लेंगे और यहाँ से ए वाले ऑप्शन में आने के बाद फिर हम लोग एडिट पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से हम लोग इसको न्यू टेक्स्ट को काट देंगे और यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर हम लोग कॉमिंग सुन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। और इसको यहाँ से हम लोग लाने के बाद यहाँ से हम लोग जूम करके इसको ला देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉन्ट में आएंगे यहाँ से, और फॉन्ट में आने के बाद हम लोग ये वाला फॉन्ट ले लेंगे। आप नीचे देख देंगे फैंसी में सबसे लास्ट वाले फॉन्ट को हम लोग ले लेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग कॉलर वाले ऑप्शन में आएंगे। इसमें कॉलर वाले में ऑप्शन आने के बाद हम लोग यहाँ से ब्लैक वाले कॉलर को ले लेंगे। यहाँ से साइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग न्यू टेस्ट को लेंगे और फिर हम यहाँ से एडिट करेंगे। जो डेट है हमारा डेट 30/8/2023, वो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद फिर हम लोग इसको ला के यहाँ से हम लोग जूम करके इधर हम लोग इसके नीचे हम लोग लगा देंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से कॉलर में आएंगे। कॉलर में आने के बाद फिर हम लोग यहाँ से ब्लैक वाला कलर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे साइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम लोग फ्रंट में जाएंगे और फ्रंट में जाने के बाद फिर हम लोग वही वाला फैंसी में आने के बाद फिर हम लोग यही वाला हम लोग फ्रंट ले लेंगे। यहाँ से साइन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से लगा देंगे। तो गाइज, हमारा यहाँ पर जो फ़ोटो है वो बन चुका है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से हम लोग इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग सेव इमेज पे हम लोग क्लिक करेंगे। और कस्टम में आने के बाद हम लोग अल्ट्रा पे क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो गाइज, हमारा यहाँ पे फ़ोटो जो है वो बन चुका है दोस्तों। उसको फ़ोटो बन चुका है। उसके बाद हम अपने रील को बनाने के लिए हम लाइट मोशन एप्लीकेशन का ओपन करेंगे। तो गाइज, हमारा लाइट मोशन ओपन हो चुका है। और लाइट मोशन ओपन होने के बाद हम यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे 9.6 वाले ले लेंगे ये प्रोजेक्ट। और यहाँ से हम लोग ये वाला
बैकग्राउंड में हम लोग यहाँ पे लाइट ग्रे चूज करेंगे, और फ्रेम रेट को हम लोग 20 FPS पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट प्रोजेक्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से हम लोग प्लस वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ से मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद हम लोगों मीडिया में जाने के बाद हम लोग जो फ़ोटो हम लोग बनाया था उसको हम लोग यहाँ से ले लेंगे, और लेने के बाद हम लोग यहाँ से हम लोग इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, और इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एड इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे पेज, हम लोग सर्च करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं पेज कलर यहाँ पे फर्स्ट वाले पे एप्लीकेशन पे, इसे हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम लोग स्टैंडर्ड सेटिंग को हम लोग इसको हम लोग यहाँ से प्रोग्रेस को हम लोग 100 कर देंगे, और 100 करने के बाद इसको यहाँ पे हम लोग ये प्लस वाले एरो के नीचे प्लस वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम लोग इसको हम लोग अपने वीडियो को लेयर को हम लोग 6 सेकेंड तक इसको हम लोग बढ़ा देंगे, यहाँ पे 6 सेकेंड तक हम लोग यहाँ से बढ़ा देंगे। और बढ़ाने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे वीडियो के लेयर पे इस पर हम लोग प्लस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वीडियो को लेयर को हम लोग यहाँ से 3 सेकेंड पे हम लोग आ जाएंगे 3 सेकेंड पे, और उसके बाद हम लोग अपने लेयर को प्रोग्रेस को हम लोग को यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पे हम लोग 5% पे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से एंगल में आ जाएंगे, और एंगल को हम लोग यहाँ से 45 पे हम लोग रख देंगे एंगल को। एंगल को 45 पे रखने के बाद दोस्तों हम फिर यहाँ से बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद फिर हम लोग इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, और फिर एड इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से हम लोग सर्च करेंगे वेब, वेब सर्च करेंगे, वेब वार्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टार्टेड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आँख वाले के बाद यहाँ पे 3D लाइन पे हम लोग क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे फास्ट को हम लोग को यहाँ से फास्ट को हम लोग यहाँ पे 200 हम इसको ला देंगे 2% पे, इसको ला देंगे हम यहाँ पे 2% पे, और इसको यहाँ से प्लस एरो के नीचे प्लस वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे वीडियो के लास्ट में आ जाएंगे, और इसको हम लोग यहाँ से हम लोग 90 पे इसको 90 पे हम लोग यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद कर देंगे। उसके बाद करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से स्पेनिंग में आएंगे, स्पेनिंग में आने के बाद हम लोग को इसको 2.5 हम इसको रख देंगे 2.5 रख दें, और 2.5 रखने के बाद मैग्नीट्यूड में हम लोग इसको 1.5 रख देंगे। दोस्तों यह अब देख जो हमारा यहाँ पे वीडियो है वह बन चुका है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमारा वीडियो है बन चुका है, आप देख सकते हैं वेब है यहाँ पे हमारा वीडियो में किस तरह हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ से बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद दोस्तों और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सॉन्ग को ऐड करने के लिए हम अपने लेयर पे इस पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एडियो में आ जाएंगे। एडियो में आने के बाद आप लोग एक रक्षाबंधन का एडियो जाकर यूट्यूब पर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और यहाँ से हम लोग प्लस पे क्लिक करेंगे, और प्लस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे लेयर है वीडियो का सॉन्ग का वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसको हम लोग कम कर देंगे, और यहाँ से हम लोग अब देख सकते हैं। तो गाइज हमारा यहाँ पे वीडियो बन चुका है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। और यहाँ से हम लोग एरो वाले पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग HD में सेव कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से आपको वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्टिंग हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।